क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नो मैम। चलो गुड, अगर क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो सो दैट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज आलम सर को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं आपको लाइक एक नॉर्मल लिंक सेंड कर सकूं ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है? और आप लोग जानते हो मोस्ट आप लोगों के सेकंड टर्म के एग्जाम है ना? किस किस के यस मैम, एग्जाम पे हैं? रेज योर हैंड्स, किस किस के एग्जाम पे हैं? ओके इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तानवी, हाउ आर यू बेटा? मैम फाइन एंड यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा। कुछ बच्चों ने आई थिंक मुझे मैसेज किया था लाइक दे वांट टू टेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मैंने उनको रेफर भी किया था एक चीज, क्योंकि उन लोगों के एग्जाम्स है सेकंड टर्म के, तो मैंने उनको रेफर कर दिया था कि यहाँ से करो, तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों को मिल गए। ठीक है, तो आप लोगों का भी है, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जस्ट प्लीज मैसेज मी, तो मैं आप लोगों को रेफर कर दूंगी, ठीक है ना? तो थोड़ा आप मतलब मैम देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा, तो थोड़ा हेल्प करेगा आप लोगों को। अच्छा हम ऐसे क्या करें कि लाइक हमारी जब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाए तो उसके PYQ का एक लेक्चर हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट वन, राइट? ये सही रहेगा ना? मैम, ना थोड़ा सही भी रहेगा, आप लोगों का जो चीज है कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाएंगे और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना? गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग गरिमा, गुड इवनिंग पारुल। आज तो किसी का फर्स्ट क्लास नहीं है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आज तो सबका है ना, आपको सब सबको पता है ना गुड किसी की इवनिंग फर्स्ट मैम। क्लास तो नहीं है ना? गुड गुड इवनिंग गुड बेटा, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, एक बार आप लोग तो सब आ जाइए, फॉर विल वेट 2 or 3 minutes, आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द क्लास, ओके? एंड यस मैम। तो पहले ये बताइए कि आप लोगों का कल का थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए, कल जो भी पढ़ाया था, है ना? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेखा की क्या होती है, हमारा जो डेका होता है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? यस शिवानी, यस शिवानी, प्लीज टेल मी डेका को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस रिद्धिका, 10। 10, वेरी गुड, ओके। और सेंटी, इज पावर माइनस। वेरी गुड, 10^-2, ओके। मोहित भाई आए हो रिप्रेजेंटिंग बच्चा? टॉप रिप्रेजेंटिंग, ओके। गुड इवनिंग मैम। अच्छा पीको, पीको को क्या बोलेंगे बच्चे? 10 इज 12 मैम। 10^12, ओके। व्हाई आर यू रिप्रेजेंटिंग मोहित? स्टॉप रिप्रेजेंटिंग।
मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? मैम ठीक हूँ। मैम गुड। और अब मैं पूछूं आप लोगों से, लाइक गो बेटा। हाँ, मेरा आईपैड नानी से लो। सो नाउ इफ आई आस्क लाइक ऑटो, ऑटो को क्या बोलेंगे हम? यस निशा, ऑटो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मैम 10 की पावर-18। वेरी गुड। और एग्जो, एग्जा लाइक एग्जा, क्या एग्जा को मैम 10 की पावर 8। प्लस 18, राइट? यस ओके। मैम, फैमटो, फैमटो 10 की पावर-15। वेरी गुड। ओके एंड नैनो, 10 की पावर-9। -9। ओके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या, मतलब उसकी क्या होती है एसआई यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी की? कैंडेला, कैंडेला। कैंडेला, ओके। और करंट की? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर, अच्छा, कंपाउंड क्या एम्पियर। होता है? कंपाउंड क्या होता है? रेज योर हैंड एंड मैं नाम ले लूंगी, ठीक है? गरिमा। कंपाउंड क्या होता है गरिमा? यस गरिमा, प्लीज टेल यस मी, कंपाउंड मैम, क्या होता है बेटा? किसे बोलते हैं हम कंपाउंड? मैम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशन बाय रेशो बाय मास। मैम वो होमोजीनियस में नेचर होता है। ओके। और कौन समझाएगा? रिद्धिका। मैम टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारा क्या होता है, जब हमारे टू और मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल यूनिट का क्या बनता है? कंपाउंड कंपाउंड बनता है, ठीक है? लाइक हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया? वाटर वाटर मिल गया, वाटर H2O मिल गया, है ना? जब हमने सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन किया तो हमको क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड, ना? सॉल्ट। दैट इज सॉल्ट, यस है मैम, ना? कॉमन सॉल्ट मिल गया हमको, ठीक है? अच्छा शिवानी, आप मुझे बताइए कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में एक एक डिफरेंस बताओ। दैट दिस इज हेट्रोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अलग अलग एलिमेंट होते हैं और होमोजीनियस में सेम होते हैं। जी होमोजीनियस का एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है। अच्छा, जो एयर है, वो जो एयर है ये हमारा होमोजीनियस है या कि हेट्रोजीनियस? रिपीट करना। जो एयर है, जो यस एयर है मैम, वो हेट्रोजीनियस है या फिर होमोजीनियस में आएगा? होमोजीनियस ओके गुड। ओके। और और हेट्रोजीनियस जैसे वाटर में ऑयल को मिक्सचर करने, मतलब मिक्सचर बनाना है इनका। हाँ, मीन्स वो हमको चीज दिखाई देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ना हम हेट्रोजीनियस, ठीक है ना? जो यस हमारा मैम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हम उसको क्या होता है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट होमोजीनियस में क्या होते हैं, वो सेम फेज पे होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं, वो एक अलग अलग लेवल पे होते हैं, राइट? वो यस सेम मैम, फेज पे नहीं होते हैं, यस ठीक है? चलो वेरी गुड। ओके नाउ प्लीज टेल मी कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनको सॉलिड क्यों बोलते हैं, ये मुझे बताएगी तनीषा। यस तनीषा, प्लीज टेल मी। हमें सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, ओके। और क्या बोल सकते हैं हम? मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओ ना, क्या होता है? यस राशि, टाइटली पैक्ड मैम, यस। पैक्ड होते टाइट हाँ बिल्कुल, बहुत क्या होते हैं वो, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द एनी मॉलिक्यूल, है ना? अच्छा, मुझे कोई सब्लिमेशन का एग्जांपल समझाएगा? सब्लिमेशन का कोई रियल लाइफ एग्जांपल कौन देगा?
राशि। यस मैम। बताइए सब्लिमेशन का कोई एग्जांपल दो बेटा मुझे। यस मैम सब्लिमेशन बेटा मैम सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन 2 मिनट। उल्टा तो नहीं बोल दिया वो समय। यहाँ से जाओ इधर। यस टेल मी सब्लिमेशन का एग्जांपल दो ना। मैम कपूर, मैम नेत्रीन, वेरी गुड ओके। और डिपोजिशन का बोलो। डिपोजिशन का, डिपोजिशन का एग्जांपल दो। नहीं मैम बताओ। आयोडीन, आयोडीन। ओलेस, अरे जो रेन से मतलब सॉलिड ओले जैसे गिरते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलते किसे हैं, कौन सी फॉर्म को हम बोलते हैं डिपोजिशन, क्या होता है डिपोजिशन में। सॉलिड सॉलिड फॉर्म को सॉलिड सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। डिपोजिशन। गैस चेंजेस इनटू सॉलिड। यस यस। ये तो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, और कल मैंने अच्छे से कराया था, फिर से रिवाइज करना बच्चे अच्छे से। ओके चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक तो ये सब हो गया था। ये देखो जिसको कंफ्यूजन हो रही थी, चेक करो फिर से। हमारा जब गैस से क्या होता है, गैस से हम सॉलिड में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। मैंने बोला था ना डिपॉजिट हो जाती है, फ्रॉस्ट बन जाता है ना, डिपॉजिट हो जाता है, ठोस बन जाती है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड गैस से सॉलिड, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। सब्लिमेशन जब हम सॉलिड से क्या हो रहे हैं, गैस बना रहे हैं, ठीक है, सब सब मर्ज हो गए एक तरीके से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। इवेपोरेशन जब हमारा वाटर किस में चला जाता है, वाटर गैस में या फिर गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जब फिर से हमारी गैस किस में हो जाती है, लिक्विड में, मीन्स रेन की फॉर्म में वापस आ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग किसको बोलते हैं, जब हमारा क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज मैम, कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड मेल्टिंग, जब हमारा क्या होता है, सॉलिड लिक्विड मेल्ट हो में जाता चेंज हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है। है। अब ठीक है, अब भूलना नहीं, अभी से भूल रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ऐसा यूनिट हमारे हो गए थे, ठीक है, डेराइव मैम यूनिट भी हो गए थे हमारे, ठीक है, और हमारे प्रीफिक्सेस भी हो गए थे, ठीक है, प्रिसाइज, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी भी डन था, राइट, मैम और साइंटिफिक नोटेशन। नो मैम तो नो मैम आज यहाँ से पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन से ये पढ़ना है, राइट। अच्छा चलो, अब वही साइंटिफिक नोटेशन वही है जो हमने हमने प्रीफिक्सेस यूज करे थे अपने, ठीक है। अच्छा
अब प्रीफिक्सेस आप लोगों को पता चल गए हैं कि उसमें हम क्या करते थे, 10^2, 10^3, ये सब यूज करते थे। अब साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को हम यूज क्यों करते हैं? पहले तो हम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, वो ऐसे करते हैं n × 10^n, ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। n × 10^n इसका फॉर्मेट होता है, और हम जो हमारा नंबर्स होते हैं, जो एन होता है, एन क्या होता है वो हमारा जो बिटवीन द 1 to 9, ठीक है, और एन क्या होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स इसकी पावर होती है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, और ये क्या होते हैं हमारे नंबर होते हैं, क्या होते हैं हमारे नंबर्स यूज करते नंबर हैं। जैसे मैंने पूछा कि जो सन का डिस्टेंस है वो अर्थ से अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर है, ठीक है, अब ये वाली चीज तो हम क्या याद नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे स्मॉलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लाइक 15 × 10^7। अब कोई पूछेगा कि मैम आपने 10^7 ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि जब हम पावर्स में कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ जीरोज होती है, जो एन होता है, जो एन की पावर होती है वो जीरो की फॉर्म होती है, कि कितने नंबर ऑफ जीरोज यूज करेंगे, तो हमें कितने जीरोज हैं, 3, 3, 6 सेवन एंड 7, दैट्स व्हाई हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसको थोड़ा ना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हमारे यूज नहीं हो रहा, तो इसे हम, ये नंबर है हमारा, तो ये एज एन वर्क करेगा हमारा नंबर, और जीरोज हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 15 × 10^7 सेवन किलोमीटर, है ना, ऐसे यूज करेंगे ना। अच्छा एक और एग्जांपल दे रखा है कि हमारी वेवलेंथ दे रखी है एक्सरे की, दैट इज कॉल्ड 0.00000023, ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि इसको सिंपली फॉर्म में लिखो, कैसे करोगे इसको, इस पॉइंट को हटा के अगर मैं करूं यहाँ पर 23, तो हम कितना लिखेंगे, 23 × कितना है, देखो कितनी, कितने के आगे, कितने डिजिट्स के आगे पॉइंट चला गया है, कोई काउंट करेगा, टू एट में फोर सिक्स एट, अब ये बताओ जो 8 है वो 10^-8 होगा या फिर 10^+8 होगा, मैं माइनस है ना, 10^-8, वाई 10^-8, इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, जब हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो अपॉन में आती है चीजें, अपॉन में आती है ना, उतना ही जीरो नीचे लगा देते हैं जितना आगे डिजिट्स होती हैं, तो 1 और 8 टाइम हम जीरो कर देंगे, 8 टाइम 0 की जगह हम क्या लिखते हैं 10^8, अभी अपॉन में है तो ये तो प्लस है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस इसे क्या ले जाएगा 23 × 10^-8, सो इसका शॉर्टकट क्या है, बजाय इसको नीचे लिखने के, जितना हमने पॉइंट आगे किया है राइट साइड में चला गया, उतने ही हम क्या कर देंगे माइनस में अपना एक्सपोनेंशियल पावर लिख देंगे, ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, यस चलो लिखिए, मैंने लिखा है 2,50,000, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, 1 decimal, कौन लिखेगा, और मैसेज करो मुझे, मैम फिर से बोलना। 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 को हमारा ऐसे 2.5 मीन्स 1 decimal फॉर्म में करना है, करो कैसे करोगे, T5 × 10^3 यस मैम 2 1 × 10^3 चलो इसको तो आपने ऐसे लिख दिया, 10 क्या बोला मैंने, क्या बोला था, टू लैख थाउजेंड 50,000, 50,000 यही तो होती है, यही तो होता है, तो अभी कैसे लिखोगे इसको, 25 × 10^4 लिख सकते हो ना, है ना, अब मैं यहाँ पे पॉइंट, मैंने को ना 1 decimal, अब 1 decimal लगाया तो मैं क्या करूंगी इसको, क्या किया अपॉन में 10, है ना, 1 decimal किया तो मैंने इसका क्या किया है कि इसको 10 से डिवाइड ही तो किया है, यस मैम यस मैम अब इसको 10 से डिवाइड किया है तो
तो जब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये क्या होंगी, एक सबट्रैक्ट होगा कि नहीं थ्री होगा, है ना? यस मैम, तो हम क्या लिख देंगे, टू पॉइंट फाइव इंटू 10 रेज टू पावर 3, क्या ये लिखना सही है? समझ यस मैम, आया? कोई डाउट इसमें? नो मैम, पक्का? यस मैम, यस मैम, चलो यस मैम, चलो, गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, लिखो जरा। मैंने बोला कि आपको एक ट्रांसफॉर्म करना है लाइक दिस वन, लेकिन इसको मैंने 1 डेसिमल की जगह 2 डेसिमल तक इसको कन्वर्ट करना है। 0.00013842 इसको 2 डेसिमल तक करना है, यहाँ तो 3 डेसिमल, ये 1 डेसिमल है तो 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा आपका, बोलो। मैम दोबारा रिपीट करना। वैल्यू है 0.00013842, इसको आपको 2 डेसिमल तक करना है, ठीक है? नहीं, मैम 13.842 × 10⁻⁵। यू श्योर? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा, 13.842 × 10⁻⁵। सिंपल एज दैट। मैंने क्या बोला, ये पॉइंट हमारा कितना था, ये मैंने 5 डिजिट तक कर 1 2 3 4 5, 5 तक आगे बढ़ाया है ना। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही हम उसको राइट साइड में जितना डिजिट आगे ले जाएंगे उतना माइनस ऊपर लिख दो। सिंपल, यही शॉर्ट ट्रिक है। आप नीचे करोगे फिर उसको ऊपर ले जाओगे, बेटर क्या करो, सीधा माइनस में लगा दो, ठीक है ना? समझ आ गया? यस मैम, चलो गुड। अब मैं आगे मूव ऑन करूं नेक्स्ट टॉपिक पर। यस मैम, चलो अब बात करते हैं हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। कोई मुझे बताएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? कौन समझाएगा? मतलब आप लोगों ने पढ़ा है सिलेबस बहुत। गिव मी अ सेकेंड। जिसमें एक सर्टेन डिजिट होती है और एक डाउटफुल। ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। हाँ वेरी गुड। तो हमारी क्या होती है, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो होते हैं जिसमें हमारी कुछ तो हमारी सर्टेन डिजिट होती हैं लेकिन एक हमारी डाउटफुल डिजिट भी होती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं। 7 रूल्स आर गिवन टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? चलो, यस तनिषा, वांना से समथिंग? नो मैम, तो बेसिकली जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं वो हम, कि हमको रिजल्ट की एक्यूरेसी जाननी होती है, ठीक है? कि कितना डिजिट तक जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा, इसलिए उसकी क्या हो गई, इसलिए हम उन डिजिट्स को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो गया, हमारा कुछ रूल्स आ गए, ठीक है? इसमें बेसिकली होती क्या है, जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत कम होती है और प्रिसीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब आप लोग पढ़ चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, पढ़ चुके हो ना? यस मीन्स मैम, हमको क्या मिलेगा, करेक्ट चीज ज्यादा मिलेगी, ठीक है? थोड़ा अनसर्टेनिटी उसकी कम होगी, ठीक है? तो बात करते हैं रूल की। पहला रूल है हमारा कि जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब बोलोगी मैम कैसे, वो देखो ऐसे मैंने कोई वैल्यू दी लाइक 2.356। अब इस जो मेरी डिजिट है, क्या इस डिजिट में कोई जीरो है? नो नो मैम, नहीं ना। हमारा रूल तो क्या यही है ना कि हमको सिर्फ उन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना है जहां पर जीरो यूज नहीं हुए हैं। तो हम क्या करें, हमने क्या देखा, यहाँ पे तो कोई भी जीरो नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना? बोल सकते हैं ना? यस मैम,
अगर मैंने बोला कि 1.512 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? फोर। तो हमारा चलो ये रूल तो आप लोगों को याद हो गया। प्लीज बेटा प्लीज म्यूट कर लो क्योंकि मेरा वॉइस इको हो रही है। तो पहला रूल क्या हो गया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, हमारी सिग्निफिकेंट होंगी। नेक्स्ट जो रूल आता है, अगर हमारा कोई भी नंबर लाइक जैसे लिखते हैं ना डेसिमल में है, तो कोई भी नंबर है वो ग्रेटर देन वन है, और जितनी भी जीरोस राइट साइड है, किसके राइट साइड, वो भी जो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो हम उन जीरो को भी काउंट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आती हैं। लाइक मैंने कोई एग्जांपल दिया कि मेरी कोई वैल्यू है 5.00, तो क्या इस वैल्यू को काउंट करेंगे? क्योंकि हमारा रूल क्या है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन है। हाँ, हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन तो है ही, और जो हमारा डेसिमल के राइट साइड में हमारी क्या है जीरोस हैं, तो ये जीरो भी काउंट होंगी, तो हमारे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? थ्री। नाउ इफ आई एग्जाम मैं बोलूं कि 9107000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी बच्चों? सिक्स ना। वाय कि चलो ये दो तो नॉन जीरो तो काउंट होंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्या है कि डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है वो भी काउंट होंगी, तो जब दे जीरो काउंट कर ली तो क्या होगा, हमारा नंबर में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है वो लेस देन वन है। अब लेस देन वन नंबर हमारे क्या होते हैं, मैं बोलूं कि 0.5, क्या ये लेस देन वन है? यस मैम। 0.426, क्या ये लेस देन वन है? यस यस मैम। हाँ, तो हमारा जो कोई भी नंबर है अगर वो लेस देन वन है, तो जो उसमें जीरोस होंगी जो सिर्फ राइट साइड में है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो क्या जीरो होंगी, और जो लेफ्ट में वो उनको क्या हम काउंट नहीं करेंगे, जो लेफ्ट में उनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वो होंगी काउंट जो कौन सी हैं, हमारे लेफ्ट में होंगी, ठीक है ना, सॉरी राइट में होंगी, ठीक है, जो राइट की जीरोज है वो तो काउंट हो जाएंगी, लेकिन जो लेफ्ट में जीरोज है वो काउंट नहीं होंगी, और जो नंबर है शुड बी लेस देन वन। इफ आई गिव यू एग्जाम्पल कि मेरे पास है वैल्यू 0500, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बच्चा? थ्री। अब कौन कौन से थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या ये जीरो काउंट होगी? यस मैम। वेरी गुड, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि पहले तो जो नंबर है वन वन लेस देन होना चाहिए। हाँ, हमारा नंबर एक से कम है, ठीक है। अब जो भी जीरो राइट साइड पे है, किसकी राइट साइड पे, हमारे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर की, ठीक है ना, मीन्स हमने क्या किया इसके राइट साइड पे है तो वो काउंट हो जाएंगी, लेकिन जो उसके किस पे है लेफ्ट साइड पर है वो हमारी काउंट नहीं होंगी। लाइक दिस एग्जाम्पल कि हमें एग्जाम्पल ले रखा है 0.0002, तो इसमें क्या हुआ सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना, क्योंकि हमको तो ये तो काउंट करने ही नहीं है क्योंकि ये किसमें है लेफ्ट साइड पर है, तो इन्हें तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो हमारे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर, हमारा ओनली वन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो हमारा फोर्थ रूल होता है कि जितने भी जीरो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 1.001, तो क्या ये सब काउंट होंगे? हमारा जो फोर्थ रूल है वो यही कहता है कि सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी अगर वो जीरो हमारे नॉन जीरो के बीच में है। तो हमारा वन है ये भी नॉन जीरो है, ये वन है ये भी नॉन जीरो है,
तो ये जीरोस भी हमारे काउंट हो जाएंगी। तो हमारे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों? मैम फोर। वेरी गुड, ठीक है, फोर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो डेसिमल प्लेसेस होंगे, जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? वो उसके बराबर होगा जिस भी नंबर में हमारे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? थ्री। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फाइव। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? 1.5 में ना। तो yes, हमारा जो आंसर होगा वो किस में आएगा? इसके अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा आंसर। किस में आएगा हमारा? टू सिग्निफिकेंट। अगर मैंने बोला, मेरा कोई एग्जांपल है कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना कुछ वैल्यूज हैं, 3.18, 3.555 एंड 1.2। अब क्या बोलोगे? अब क्या आएगा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में? पहले ये बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा? टू। वाई टू? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो हमको तो सिर्फ लीस्ट वाला लेना है, तो लिस्ट में तो सिर्फ 2 ही है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? किस में आएगा हमारा? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ऐसा ही जो सेम रूल है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आएगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आंसर जो होगा वो सेम होगा जिसमें नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, दैट द सेम रूल विल फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो हमारा सेवेंथ रूल है वो बताता है हमको किसके बारे में? दैट विल टेल अबाउट द राउंड ऑफ फंक्शन। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा राउंड ऑफ फंक्शन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम। क्या होता है राउंड ऑफ का, मतलब क्या रूल होता है राउंड ऑफ का? कौन मुझे समझाएगा? आपकी मैम को नहीं आता राउंड ऑफ फंक्शन भाई, आप बताओ कि राउंड ऑफ फंक्शन कौन समझाएगा मुझको? बताइए। अरे आपकी मैम को हेल्प करो ना, आपकी मैम को राउंड ऑफ फंक्शन नहीं आता, तो प्लीज हेल्प मी आउट ना। आप लोगों ने कहा था कि आप मेरा साथ दोगे। यस रिधिका, रिधिका ही सिर्फ मेरा साथ देगी। यस रिधिका बताइए राउंड ऑफ क्या होता है बेटा? वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में कि हमारे को कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करने को बोला है। ओके अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं राउंड ऑफ के, बताओगे मुझे क्या होते हैं? शिवानी मैम। यस मैम। हां मैम, अगर डिजिट 5 से लेस देन होगा तो डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ग्रेटर होगा तो 1 प्लस हो जाएगा उसमें डिजिट में। कौन सी वाली डिजिट में मैम? अगर डेसिमल के बाद जो पॉइंट होगा, मतलब जो भी डिजिट से हम क्या कह रहे हैं उसे प्रीसीडिंग वाली जो डिजिट होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अरे वाह, आप लोग तो बड़े अच्छे टीचर हो, आपने अपनी टीचर को बड़े अच्छे से समझाया है। थैंक यू रिधिका, थैंक यू स्नेह, थैंक यू शिवानी, थैंक यू मैम। चलो, तो हमारा जब कोई नंबर होता है उसे राउंड ऑफ कैसे बोलेंगे? कि जब अगर हमारी कोई भी डिजिट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 5 हो, तो जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट या फिर प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो 1 हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 1। जैसे मैंने बोला कि 12.6, तो पहले तो ये देखेंगे लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, 6 है, क्या वो 5 से ग्रेटर है? हाँ भाई, 6 तो 5 से ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है तो ये इसकी जो प्रीसीडिंग होती है डिजिट होती है 2, दैट इज कन्वर्टेड इनटू आगे में 1, आगे इंक्रीज हो जाएगा, मीन सी हमारा क्या हो जाएगा? 13 आफ्टर राउंड ऑफ। राइट, समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी डिजिट
से कम होती है तो हमारी जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट जो प्रिसीडिंग डिजिट होती है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, उसमें देर इज नो चेंज। लाइक एग्जाम्पल है मेरा 12.4, ये वैल्यू है, अब 4 है, ये 5 से कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 की 12 ही रहेगी, देर इज नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, अगर हमारा जो डिजिट है ठीक है 5 से कम हो जाता है तो लास्ट इंक्रीज हो जाएगी 1, इट शुड बी इफ इट इज ऑड बट लेफ्ट, अगर वो क्या हो जाती है इवन। जैसे हमारा 11.5, अब ये 11 है वो ऑड है कि इवन है पहले ये देखो। ऑड, इंक्रीज्ड अब हमारा रूल तो यही था ना, ऑड है तो क्या हो जाएगा, बाय क्या हो वन, जाएगी, इंक्रीज बाय 1, और इवन है इंक्रीज्ड तो वे बिल्कुल सेम बाय रहेगा। अब ये 5 है तो 5 का क्या हो, 11 का क्या हो जाएगा, 12। अगर मैंने वन, बोला कि 12.5 तो ये क्या होगा, 13 होगा कि 12 भी रहेगा, 12 मैम 12 भी 12 ही रहेगा। रहेगा ना, क्योंकि जो 12 है वो तो इवन है ना, तो हमारा ये सिर्फ 12 ही रहेगा। ठीक है, यस मैम, यस मैम, चलो वेरी गुड, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है भाई। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम दो लॉज पढ़ेंगे अपने। ठीक है, हमारे जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ठीक है, वैसे ऑलरेडी ये क्वेश्चंस तो मैं पूछ चुकी हूँ, तो हम लॉज पढ़ें फिर। यस यस मैम, यस मैम, यस मैम, पहले ये बताओ जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन, आप लोग एज यूजल जो सिलेबस पढ़ चुके हो, तो जो हमारे केमिकल लॉज होते हैं वो कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे, कि भाई साहब इस सेंचुरी में शुरू हुए थे हमारे, बताएगा कोई। मैम सेवनटीन 17 सेंचुरी, 17th सेंचुरी, वाई 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में कैसे? क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने का। हाँ, उस वक्त क्या कर रहे थे, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी वो बेटा 17 में नहीं 18th सेंचुरी में हुई थी। यस ठीक मैम, है, यस मैम, क्योंकि उसमें अगर 1787 था या 1777 था तो, लेकिन क्या हुआ, अगर हम कुछ भी 17 का ईयर लिखते हैं दैट वो हमारी क्या होती है, 18th सेंचुरी सेंचुरी होती है, ना कि 17। हमेशा एक इंक्रीज होती है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था हमारा। यस ठीक है ना, तो हमारी मैम, कौन सी सेंचुरी में, 1789 में, जो हमारे कौन से थे, हमारे एंथनी लेवेजियर ने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हमारे 6 लॉज थे। ठीक है, कितने लॉज थे हमारे, सिक्स सिक्स लॉज। सिक्स कौन कौन से लॉ थे, हमारा जो फर्स्ट लॉ दिया था दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन। सेकंड कौन सा था, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट डेफिनेशन या डेफिनेट कंपोजिशन। थर्ड कौन सा था हमारा, लॉ ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड फोर्थ क्या था हमारा, लॉ ऑफ वॉल्यूम, एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज एवोगैड्रो। स्लो ठीक है, बेसिकली जो हमारे लॉज दिए थे वो हमारे केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते थे, कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, कौन कौन से हम मेजरिंग पैरामीटर्स ले रहे हैं उस केमिकल चेंज को होने में या फिर उस केमिकल रिएक्शन को होने में। ठीक है, इसीलिए हमारे क्या हुए उस तरह के, उस टाइम में हमारे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या था, पहले ये लॉ बना, फिर नहीं उसमें कुछ कमियां, चलो दूसरा लॉ बनाते, ऐसे ऐसे कर करके हमारे 5 लॉज क्या हुए, बनाए हैं। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन की जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो था हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये किसने दिया था, दैट इज, यस शिवानी, सॉरी मैम, गलती से हो गया। इट्स ओके। तो ये जो लॉ था वो हमारा दिया था एंथनी लेवेजियर ने, कितने में दिया था, ये दिया था 1789 में, 1789 ऑन द 18th सेंचुरी में पहला लॉ दिया गया।
18 सेंचुरी 1789 में हमारा पहला लॉ दिया गया, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो हमारा मास है, ठीक है, ना तो ये क्या क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो गया कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसका जितना मास है वो उतना ही रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी केमिकल रिएक्शंस क्यों ना हो रही हो, ठीक है। मीन्स इसका एक मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि इसमें हमने क्या किया कि मान लो हमने दो रिएक्टेंट दिए, थी ना ए प्लस बी, हमने दो रिएक्टेंट दिए, अब उन दोनों में रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, तो हमारा जो प्रोडक्ट सी और डी प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो इन दोनों का जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, लाइक मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ है ना, कि अगर हमने अगर 16 केजी कुछ ऑक्सीजन लिया है तो हमको उधर कितना मिलेगा, दैट इज उन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो दोनों का जो रिएक्टेंट का मास है वो उन प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो और अच्छे से पढ़ लो, देखो हमने क्या बताया कि ये लॉ क्या बताता है कि जो हमारा मैटर है या फिर मास है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान। ये जो लॉ है उस लॉ को और क्या बोलते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मींस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बहुत जरूरी काम होता है किसी भी लॉ की वैलिडिटी को जानने के लिए। केमिकल कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है कि नहीं होता? यस मैम। केमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ बनेगा ही नहीं भाई, सब इधर उधर हो तो जाएगा। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, ये लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, पहले जो रिएक्शन के था, अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन के बाद है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल दिया हमने कि कोई डेफिनेट क्वांटिटीज का हमने इन्वॉल्व दिया केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हमने बैलेंसिंग करी, ठीक है। पहले बैलेंसिंग करना तो आता है आप लोगों को, आता है कि नहीं आता? हमारे जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के दो को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, H2O, ठीक है, H2O बना दिया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, अब हाइड्रोजन के हमारे कितने हैं, कितना होता है हमारा एटमिक नंबर, वन होता है ना, टू इंटू वन टू। नाउ ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16, तो 16 इंटू टू 32, लेकिन कंबाइन होके हमको मिल क्या रहा है, H2 means 2 एंड ये कितना है ऑक्सीजन, 16, लेकिन हमें चाहिए क्या, 32 + 2 = 34, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? नो मैम, नो मैम। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है देवर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे, यस निशा, गलती से आप रेज हैंड कर देते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने क्या किया, जो हमारी मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी का क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मर्क्यूरी को, Hg, वेरी गुड, Hg। अब मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होती है, HgO, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, हीटअप किया, ठीक है। अब हीटअप किया तो मैंने क्या किया, Hg अलग हो गया और हमारे पास क्या मिला, ऑक्साइड अलग हो गया, दैट इज हाफ ऑफ O2,
है ना। अब मेरे पास मैंने कहा कि जो एच जी है वो मेरी 100 ग्राम है, ठीक है ना, 100 ग्राम है। तो एच जी का कितना मिलगा हमें, हमें कितना होगा, मान लो यहाँ पे मेरा 93 हो गया, तो मुझको अब ओ का निकालना है, इस ऑक्साइड का निकालना है, तो कितना होगा हमारा, 7। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर हमें, अगर एक चीज दे, दो चीजें दे रखी हैं, तो तीसरी तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि अगर हमें दो चीजें दी हैं तो हम तीसरी आराम से निकाल सके हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2H2 यहाँ पे बैलेंस कर दिया हाइड्रो, ये क्या हुआ हमारा वॉटर को क्या कर दिया यहाँ पर, बैलेंस, हाँ, तो क्या हो गया हमारा बैलेंसिंग करने पे हमारा जो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, ठीक है। इसमें क्या मिला हमें, दो हाइड्रोजन के एटम मिले एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कोई मुझे बताएगा, H2 एंड O कितना मिल रहा था हमको, हाइड्रोजन के दो, 16 और 16, 18 था ना, 18 into 2 कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 4। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 32 ना, तो 32 प्लस 4 कितना हो गया, 36। और बीच में यहाँ पर भी हमारा 36 है, तो ये क्या हो गया हमारे, बैलेंस, इक्वल, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, जस्ट राइट डाउन दैट क्वेश्चन, लिखो जरा। यस मैम, लिखो, चलो लिखो, हाउ मच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख देना O2, हाउ मच O2 विल एड विद 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोगों को केमिकल इक्वेशन भी समझ आ गई होगी, किस किस को क्या क्या करना है, मैम रिपीट करना, टू गिव लिखो, हाउ मच ऑक्सीजन O2 विल एड विद 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 32 ग्राम ऑफ CO2। हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विथ 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले मुझे नो हाउ लाइक हाँ आंसर यस O2 का बताना है आपको, देख लो इसमें सब कुछ दे रखा है। पहले बताओ कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन थी वो क्या बनी, केमिकल क्या थी, हम ना कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमें क्या दे रखा है, O2, और CO2 का कितना दे रखा है मास, CO2 का कितना मास दे रखा है, 32। अब और कार्बन और इसमें ऑक्सीजन क्या बताना है, ये बताना है हमको ऑक्सीजन, और कार्बन कितना दे रखा है हमको, 36। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करो भाई, करो आई थिंक इट्स लाइक CO2 इज 132, नॉट लाइक 32, इट्स 132, सॉरी, ओके, यस मैम, या नाउ प्लीज डू इट।
अब बताओ इसमें ऑक्सीजन का कितना लगेगा? कार्बन इज 36 एंड सीओ टू इज 132. नाउ प्लीज टेल मी कि ऑक्सीजन का कितना मास होगा. अब तो आसान है. Yes. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा 96. Why 96? क्योंकि हमने क्या किया, 132 इस प्रोडक्ट का दे रखा है, रिएक्टेंट जब 36 दे रखा है तो यू शुड सब्ट्रैक्ट ना, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 96, वो हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा. सिंपल है. इतनी देर क्यों लगी ऑन करने में इसको? बैलेंसिंग कर रहे थे क्या? अच्छा चलो नेक्स्ट है. अगर जैसे हमने कोई मैटर है कुछ फिजिकल चेंज के अंदर वो, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, उस एक ग्लास पानी को मैंने फ्रीज कर दिया. फ्रीज करने के बाद क्या हुआ, वो क्या बन गया? ये गर्म कर रही है. अरे यार मैंने पानी लिया एक ग्लास, उसको फ्रीज कर दिया. फ्रीज करने के बाद वो सॉलिड में चेंज हुई कि नहीं हुई? अब मैंने सॉलिड, इसमें सब सॉलिड बन गई, तो मैंने फिर से उसको बाहर निकाल लिया, उसको हीट अप किया, तो क्या क्या हुआ उसमें? एक फिजिकल चेंज तो हुआ, क्या उसके मास में भी कुछ चेंज हुआ? नो मैम. नहीं ना. तो जब हमारा कोई मैटर एक फिजिकल चेंज के अंडरगो जाता है तो उसमें क्या होता है, बस उसकी क्या होती है, उसकी स्टेट चेंज होती है, उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है. जैसे मैंने बोला कि मैं कोई 300 ग्राम का जो वुड है, मतलब मान ले मेरे पास 30 किलोग्राम का कोई लॉग हो गया, ठीक है, जो लकड़ी का वुड होता है ना, एक लॉग होता है, उसको मैंने क्या किया, प्लस फायर, फायर का भी कुछ मैंने की, क्योंकि उसमें भी गैसेस होती हैं हमारी, तो उसमें क्या कुछ 1 किलोग्राम उसका भी मतलब वेट ले लिया. अब मैंने क्या किया, जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ एसिड मिली और क्या मिला, और स्मोक मिला, है ना. तो अब मैं क्या बोलूं, जो हमारा एसिड है वो कितना है, 28 है, तो मेरा ये जो स्मोक है वो कितना होगा, कितना होगा, कितना होना चाहिए, 28 तो एसिड का दे दिया. अब मैं पूछ रही हूँ जो स्मोक है इसका कितना होगा, जो मेरा लॉग है वो 30 kg है, ठीक है, जो फायर है उसमें भी गैस है, चलो उसमें भी कुछ 1 किलोग्राम वेट है. अगर मैंने कुछ उसमें मान लो रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या हुआ, एसिड मिली, हमको राख मिलती है कि नहीं मिलती, जो राख था वो 28 किलोग्राम मिल गई. तो अब मुझे बताओ जो स्मोक है उसका कितना होगा वेट, कितना होगा उसका, थ्री, क्योंकि 30 इसका है, 1 इसका है, 31. अब जब हम 28 ऑलरेडी गिवन है तो सिंपली 31 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करो, वी वुड हैव क्या मिल गया, 3 किलोग्राम, सिंपल 3 मिल गया. इसमें कौन सी वो तुमको महाभारत करनी थी, इतना टाइम लग गया तुम लोगों को करने में, ठीक है. ये वाला एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब कोई मैटर हमारा केमिकल चेंज में होता है, ये क्या हुआ, जैसे हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, उसको हमने हीट अप किया तो क्या मर्क्यूरी मिली और हमको क्या मिला, ऑक्साइड मिला. तो इसमें क्या हो गया, एक चेंज होने के बाद सम लिल बिट डिफरेंस, तो वो एक माइनर सा होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. यस मैम. हाँ चलो. अच्छा ये एग्जांपल दिया हुआ है, चलो पढ़ो इसको, बताओ क्या है और करो इसको, जरा इस क्वेश्चन को करो, मैं रीड आउट कर देती हूँ. 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, लिखो CaCO3 heated produce 1.99 gram of carbon dioxide and residue of CaO left behind weight 3.2 gram. Show that these results illustrate the law of conservation of mass. ठीक है, तो कौन करेगा, पहले ये बताओ जब हम CaCO3 को एक केमिकल हीटेड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज निकलती है, हमारी
सी ए ओ सीओ टू है ना। सी ए ओ क्विक लाइम एंड वेरी गुड, ऑक्सीजन। क्विक लाइम एंड कार्बन डाई ऑक्साइड है ना, यस मैम। वेरी गुड। तो अब बताओ फिर, चलो अब सबका वेट भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो जल्दी, CaO मिल गया और हमारा CO2 मिल गया, ठीक है। उनका वेट हमें दे रखा है, तो ये बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जो हमारा माइनर सा डिफरेंस होता है हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। बताइए क्या हुआ, कितना देर लग रहा है। सिंपल था, CaCO3 लिया, हीटअप यस मैम। किया तो हमको मिला CA मिल गया और ओ इसका मिल गया, तो हमें CaO मिल गया और CO2 मिल गया, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड वेटेड 3.2 ग्राम। अब ये 3.2 ग्राम है किसका, इस पूरे का 3.2 ग्राम है ना बच्चे, ठीक यस मैम। है। अब ये बोला है कि जो CaC3 था वो उसने क्या हुआ, ही डिड प्रोड्यूस 1.99 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, ये 1.99 है और ये 3.2 है, इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5.19 ग्राम, ठीक यस मैम। है। यस लेकिन इसमें क्या हुआ, जो हमारा मैम। अगर इसमें दे रखा है ना 5.2 ग्राम, किसका दे रखा है, 5.2 ग्राम का क्या दे पॉइंट रखा है थ्री हमारा, CaCO3 CaCO3 का। अब ये 5.19 लो या फिर 5.2, मैंने बताया था ना इसलिए राउंड ऑफ हुआ था राउंड ना, ऑफ। देखो यस मैम जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव फाइव पॉइंट टू पॉइंट टू ग्राम तो हमारा सिमिलर ही तो है, तो हमारे इस लॉ को फॉलो कर रहा है या मना कर रहे कि नहीं कर रहा। यस यस मैम मैम। कर रहा। सिंपल यस मैम। यस सिंपल, कोई प्रॉब्लम, आज नो मैम। के लिए काफी है, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा वरना फिर कल अपना नेक्स्ट क्लास होती है तब हमारा क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे अपने लॉज को, ठीक है। टिल देन आप मुझे बताइए कि अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कोई डाउट है आप लोगों को। नो मैम। नो पक्का, नो मैम। यस मैम। अच्छे से समझ आया सब। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। एंजॉय किया, बोर तो नहीं हुए। नो नो मैम। नो मैम। क्योंकि मेरे लिए आई नो थिंक इट मीन्स अलॉट कि आप लोग मतलब एक एक कंटिन्यूस एक कांस्टेंट फिगर हैं जो आपके वो हमेशा ऐसे ही रहें एंड आप लोग बोर ना हो, ठीक है। चाहे मैं थोड़ा पढ़ाऊं बट अच्छे से पढ़ाओ। यस इशिता, वांट टू से समथिंग बच्चे। नो मैम। मेरे लिए थोड़ा पढ़ाना चलेगा बट आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। और कुछ मैम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताओ, बताना है या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊं। मैम नेक्स्ट क्लास ओके मैम, कल बता देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल एक्सप्लेन दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऐसे बता दो तो, जस्ट जब मतलब ऐसे डिस्कस कर दो थोड़ा सा, मैम बेसिक्स कल बता दो। टेस्ट है कल क्या? टेस्ट है हमारा, पूछ रही हूँ। अच्छा।